नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बस चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि IGBT को किस तरह से टेस्ट किया जाता है मल्टीमीटर के थ्रू से। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो ये तीन तरह का IGBT हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको किस तरह से चेक करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप का IGBT का ड्रॉइंग यहाँ पे बना हुआ है, ये IGBT 1 और ये IGBT 2। तो इससे समझने से पहले हमें डायोड को समझ लेते हैं। पहले से डायोड किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो डायोड का सिंबल दिया हुआ है। यहाँ पे ये पहला पिक्चर में देखेंगे, तो अगर दो में हम पॉजिटिव वाला वोल्टेज देंगे और यहाँ से रिसीव करेंगे, तो यही जो सिंबल दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से वोल्टेज फ्लो करेगा इधर की तरफ और वोल्टेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से दे रहे हैं तो ये बीच में जो बैरियर दिख रहा है आपको, ये बीच में बैरियर है, तो इधर वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा। मतलब ये इसी साइड से अगर वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे पहुंचेगा, इधर से देंगे तो वोल्टेज इधर नहीं आएगा। अगर इसका वैल्यू अभी चेक कर रहे हैं तो मान लीजिए अभी 0.381 आ रहा है, वोल्ट आ रहा है डायोड मोड में। तो इसको अगर दो डायोड है तो ये दोनों को वैल्यू जो है मिल जाएगा, मतलब 0.381 प्लस 0.381 दोनों मिला के जो वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ पे 0.7 के आसपास, ये वोल्ट इतना आएगा। तो यहाँ से अगर हम दोनों वोल्टेज देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लगाया मल्टीमीटर का और यहाँ से वोल्टेज दिया और यहाँ पे नेगेटिव वाला रेड वाला ब्लैक वाला यहाँ से लगाया, यहाँ से रेड और यहाँ पे लगाया ब्लैक। तो इधर से वोल्टेज हमारा फ्लो के अंदर जाएगा, इसके अंदर पास करेगा, फिर इसके अंदर पास करके यहाँ तक आएगा। मतलब ये डायोड अभी सही है कि नहीं दिखा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से रेड दे देंगे और यहाँ पे ब्लैक देंगे तो ये क्या होगा कि इधर से बैरियर है तो इधर से फ्लो नहीं होगा, तो इधर इसके बाद इधर भी नहीं आएगा टोटली। तो इधर से अगर देंगे वोल्टेज रेड वाला इधर देंगे तो इधर से वोल्टेज फ्लो होगा, इधर से जाके इधर आएगा, फिर इधर से जाके आगे पहुंचेगा। तो एक डायोड का वैल्यू अगर 0.381 दिखा रहा है, यहाँ पे दोनों डायोड है तो दोनों का दिखाएगा डबल दिखाएगा, मिला के दोनों एडिशन हो जाएगा, मिलके इसे दिखाएगा। तो ये वाला पहले वाला वीडियो पिक्चर में देखिए आप, जो यहाँ पे दिया हुआ है ये एक IGBT है, तो इसको देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, जो पावर सप्लाई लगता है यहाँ पे, जो कार्ड लगता है और बस बार भी यहाँ से जाता है। ये हो गया हमारा 1, 2, 3 और ये हो गया 4, 5, ये हो गया 6, 7। आप यहाँ से दिखा सकता हूँ, तो ये जो छोटा छोटा जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं गेट बोलते हैं, और ये जो बड़ा वाला जो है यहाँ पे हमारा नॉट बोल्डिंग लगाने के लिए है। तो यहाँ पे हमारा बस बार वगैरह लगता है, जो AC का इनकमिंग, DC+, DC- सब यहाँ पे लगता है, ये तीनों बड़ा बड़ा में। और यहाँ पे हमारा लगता है गेट का वोल्टेज, गेट खोलने से वोल्टेज इधर से उधर जाता है। यहाँ से जो देखा यही सेम कंडीशन यहाँ पे यूज होता है। ये हो गया IGBT 1, इस तरह का IGBT के दो तरह का IGBT मिलता है, एक 1 हो गया, इससे 2 हो गया। दोनों को बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 वाला पहले देखते हैं, जो कि ये वाला है। यहाँ से फोटो भी, सभी IGBT के साइड में फोटो भी देता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसका फोटो। फोटो देख के उसका जो वायरिंग डायग्राम है, आप यहाँ से इस तरह से मान सकते हैं उसको मल्टीमीटर से। तो देखिए यहाँ पे एक ही गेट दिया हुआ है, यहाँ पे 6, 7 लिखा हुआ है और ये जो है 1, 2, 3 लिखा हुआ है। तो इसी तरह से ये हो गया 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट, और ये जो छोटा छोटा पॉइंट था 6, 7 लिखा है यहाँ पे, देखिए 6, 7, तो इसको यहाँ पे हमने 6, 7 दे दिया है। तो इसको इस तरह से रख देंगे तो हमारा ये हो गया 1, 2, 3 और ये हो गया 6, 7, जिस तरह से फिगर में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं किस तरह से चेक करते हैं उसको। तो ये फिगर से समझने की कोशिश कीजिए, तो अगर यहाँ से एक नंबर पे हम जो मल्टीमीटर है उसका अगर जो रेड वाला पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से अगर लगाएंगे तो वोल्टेज हमारा इधर तक गया, यहाँ पे ये हो गया गेट जो कि यहाँ से सप्लाई आ रहा है, तो ये जब तक हेल्दी नहीं होगा, सप्लाई नहीं दिया होगा, तो ये गेट क्लोज रहेगा हमेशा, तो यहाँ से इस रास्ते से वोल्टेज नहीं जाएगा। तो ये जो पॉइंट दिख रहा था आपको 1, 2, 3 करके,
तो यहाँ से अगर एक नंबर पे अगर पॉजिटिव वाला देंगे और दो नंबर पे अगर नेगेटिव वाला लगाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज रेड वाले से वन पे जाएगा और वन पे जाने के बाद यहाँ से इस तरह से जाएगा और इधर से आएगा, इधर से भी जाएगा। तो एक और दो के बीच में देखेंगे तो ये इधर से वोल्टेज जाके तीन में भी आएगा और दो के अंदर में देखेंगे तो यहाँ से जाके ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ है तो इधर क्रॉस नहीं कर पाएगा जैसे कि आपको पहले बताया था। तो ये इधर से जाके इधर जाने की भी कोशिश करेगा तो यहाँ पे गेट है, जब तक गेट ओपन नहीं होगा या फिर इसको वोल्टेज जब तक नहीं मिलेगा यहाँ से तब तक ये गेट क्लोज रहेगा और वोल्टेज यहाँ से जो है इधर तक पास नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से पास नहीं कर पाएगा, यहाँ से भी पास नहीं कर पाएगा। तो वन टू के बीच में अगर मापेंगे तो हमको ओएल दिखाएगा और जो एक और तीन के बीच में अगर देखेंगे तो एक से वोल्टेज यहाँ से इस तरह से जा रहा है तो तीन नंबर पे इस तरह से निकल रहा है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस है तो वोल्टेज अगर यहाँ से देंगे तो वोल्टेज आगे निकल जाएगा। तो एक और तीन के बीच में अगर मापेंगे तो हम आपको मिल जाएगा आईजीबीटी का जो ये जो लगा है डायोड का इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो अगर तीन और एक में अंदर देते हैं उल्टा करके तो तीन से यहाँ पे बैरियर जो है इधर से वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। तो तीन और एक के बीच में अगर देखेंगे तीन में लगाएंगे रेड वाला और एक में लगाएंगे ब्लैक वाला तो आपको वोल्टेज इधर से यहाँ पे जो बैरियर है यहाँ से पास नहीं करेगा, तो रिवर्स बायस में पास नहीं करेगा। अगर इसको दो में लगाएंगे यहाँ पे तो दो में क्या होगा, दो में यहाँ से आएगा वोल्टेज यहाँ तक, इधर से जाने का तो चांस ही नहीं क्योंकि ये गेट बंद है। तो इधर से क्या होगा, यहाँ से आके इस डायोड के थ्रू से इस तरह से आके एक नंबर पे निकलेगा। तो हमको ये दो और एक के बीच में अगर रेड वाला इधर लगाए तो आपको मिल जाएगा एक नंबर के तरफ वोल्टेज डायोड का वैल्यू, ये डायोड का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए वीडियो में चेक करते हैं किस तरह से चेक कर किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं डायोड का सिंबल अभी ओएल दिखा रहा है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, यहाँ पे सिक्स सेवन। तो पहले देख लेते हैं वन और टू के बीच में, वन पे दे देंगे पॉजिटिव, टू में दे देंगे नेगेटिव। तो अभी जैसे कि बताया था यहाँ से वोल्टेज जाएगा तो इधर से जा नहीं पाएगा, इधर से जाएगा इधर से भी जा नहीं पाएगा गेट की वजह से, तो दो में आएगा नहीं। तो अभी देखिए मल्टीमीटर में ओएल दिखा रहा है। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से वोल्टेज आ जाएगा दो में लगाएंगे तो देखिए दो में लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे फ्लो हो रहा है, दो में पॉजिटिव आया तो यहाँ से वोल्टेज इस तरह के पास करके वन में भी आ गया। तो ये डायोड जो है सही है। तो इसी तरह से एक और तीन में लगाते हैं, एक में और तीन में। तो तीन में जैसे बताया था यहाँ पे वोल्टेज आने से यहाँ से बैरियर है तो तीन से इधर आएगा नहीं, और इसको उल्टा कर देंगे तो अभी हमारा रीडिंग दिखा रहा है जो डायोड होगी, ये जो डायोड है ये सही है, ये दिखा रहा है। तो देखिये तीन से लगा रहे हैं, एक नंबर पे रेड दे रहे हैं मतलब यहाँ से रेड वाला गया यहाँ से निकला तो अभी हमको रीडिंग दिखा रहा है, और उल्टा कर देंगे तो आपको रीडिंग नहीं दिखाएगा। इसी तरह से गेट को भी चेकिंग करना पड़ता है। तो जो गेट है दोनों को आपस में लगा दीजिए, ये हमेशा आईजीबीटी में ओएल रहेगा, ये कभी किसी तरह से भी शॉर्ट नहीं दिखाएगा, और उल्टा भी करेंगे तो भी ओएल रहेगा। तो सिक्स से यहाँ से लगा देते हैं, सिक्स जो है यहाँ से देखिए पूरा अलग दिया हुआ है, किसी के साथ टच नहीं है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, सिक्स में लगा के, सिक्स में लगा के एक के साथ देख लेते हैं, और दो के साथ, तीन के साथ, ये किसी के साथ नहीं आएगा। सेवन का भी देख लेते हैं, जो कि सेवन यहाँ पे कनेक्टेड है आके यहाँ से, सेवन से दो तक आएगा और यहाँ से घुस के एक में भी आएगा, और यहाँ से घुस के यहाँ तक भी, तीन तक भी जाएगा, लेकिन दो मिला के डबल वैल्यू आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर सात में लगाएंगे रेड वाला तो दो में हमारा जीरो आएगा, क्योंकि दो में ये डायरेक्ट कनेक्ट है, यहाँ पे दो में हमारा जीरो आया। तो उसके आगे यहाँ से यहाँ पे पास करके एक में आएगा, तो एक में लगाएंगे तो एक डायोड का वैल्यू दिखा रहा है। तो अगर ये सेवन और थ्री के बीच में देखेंगे तो ये इस तरह से आके एक डायोड से पास करके फिर यहाँ से घूम के आके तीन नंबर पे जाएगा। तो ये एक सेवन और थ्री के बीच में देखेंगे तो जो डायोड का वैल्यू दिखा रहा था 0.2 वो हो गया अभी
जो 0.2 दिखा रहा था वो हो गया डबल, हो गया 0.5 हो गया। तो ये इस तरह से चेक किया जाता है। तो इसी तरह से वैल्यू अगर आएगा तो आपका जो IGBT है वो सही है बिल्कुल। तो दूसरा टाइप का जो डायोड है जो IGBT है उसको देखते हैं। तो ये देखिए जो IGBT, ये वाला IGBT जो दिखा रहा है आपको यहाँ पे, तो इसका क्या है, दो डबल गेट है, यहाँ पे गेट है और यहाँ पे गेट है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि एक ही गेट यूज होता है लेकिन डबल काम के लिए डबल गेट दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे एक ही गेट यूज होता है, अगर ये यूज होता है नहीं तो ये यूज होता है। तो ये जो वाला जो है बड़ा वाला जो पॉइंट दिखा रहा है आपको, ये हमेशा यूज होता है, और ये छोटा वाला जो गेट दिखा रहा है ये हमेशा एक ही यूज होता है। तो इसको चेक कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो इसका ड्रॉइंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए जो 1, 2, 3 बड़ा वाला है उसका यहाँ पे 1, 2, 3 लिखा हुआ है। तो देखिए अगर 1 पे वोल्टेज देंगे और 2 के बीच में देखेंगे, ये दोनों में अगर रेड यहाँ पे ब्लैक लगाया, तो यहाँ से रेड लगाने से वोल्टेज यहाँ से गया यहाँ तक, यहाँ से ऊपर जाने का सवाल ही नहीं क्योंकि ये गेट बंद है अभी। वोल्टेज जब तक 6 में नहीं है तब तक ये गेट बंद है। ये रिवर्स बायस हो गया तो ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से घुस के इससे जाके यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जाने के बाद 5 में दिखाएगा और इसके ये डायोड के अंदर में घुस के 3 में दिखाएगा। तो अगर 1 में लगाएंगे और 2 में लगाएंगे तो आपको नहीं दिखाएगा, और 1 में और 3 में लगाएंगे तो आपको यहाँ से जाके यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा, और 2 में लगाएंगे पॉजिटिव वाला तो फेज वाला जो पॉजिटिव बोलते हैं उसको, यहाँ से जाके ये डायोड से घूम के आपको यहाँ पे दिखा सकता है। मतलब 2 से 1 दिखाएगा और 1 से 3 दिखाएगा, और उसको उल्टा कर देंगे तो ये नहीं दिखाएगा वैल्यू। तो आइए इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो वही डायोड मोड में दिया हुआ है, तो डायोड मोड में हम देखें यहाँ से देखेंगे 1 नंबर पे पॉजिटिव दे रहे हैं और 2 नंबर पे नेगेटिव लगा रहे हैं। तो ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो 1 में पॉजिटिव देने से यहाँ से जाके यहाँ पे रिवर्स बायस है, तो 2 में नहीं दिखाना चाहिए। तो देखिए अभी 2 में लगा रहे हैं तो ओवरलोड दिखा रहा है, ओएल दिखा रहा है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। अगर 2 में लगाएंगे तो फेज पॉजिटिव वाला तो ये घूम के इस तरह से इधर आएगा। तो देखिए 2 में लगाएंगे पॉजिटिव वाला तो 1 में, तो इधर से वोल्टेज पास हो रहा है, तो 1 डायोड का वैल्यू दिखा रहा है 0.3, ये हो गया। इस तरह से लगाने से ओएल हो रहा है, इस तरह से लगाने से 0.3 आ रहा है, एक जो एक डायोड का वैल्यू दिखा रहा है अभी। तो 1 और 3 के बीच में लगाते हैं, 1 और 3 के बीच में इस तरह से फ्लो करेगा, ये हो गया 1, ये हो गया 3, 3 के बीच में देखेंगे तो ये जो डायोड है ये डायोड का वैल्यू दिखा रहा है आपको यहाँ पे 0.34। तो इसको अगर उल्टा कर देंगे, 3 में दे रहे पॉजिटिव और 1 में दे रहे नेगेटिव, तो देखिए ओएल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आने तक जो रास्ता है यहाँ पे ये बंद है, गेट बंद है, यहाँ पे डायोड भी रिवर्स बायस में है, तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर यहाँ से दे रहे हैं तो वोल्टेज इस तरह से जाके 3 में निकल रहा है, जैसे कि देखिए 1 में दे रहे हैं तो 3 में निकल रहा है, तो 0.3 जा रहा है उधर। तो इस तरह से अगर लगाएंगे तो ये ओएल ही दिखाएगा आपको। यहाँ से देखिए तो 1 नंबर और 2 के बीच में तो हो गया, तो 2 नंबर और 3 के बीच में देखते हैं। तो 2 नंबर और 3 के बीच में क्या दिखा रहा है, डबल डायोड का डाटा दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर से जाके ये डायोड और यहाँ से घूम के आके इस तरह से ये डायोड दोनों को दिखा के यहाँ पे आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो 2 डायोड का डाटा यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये हमेशा डबल दिखाएगा, मतलब 0.3 आ रहा था एक ही का, तो अभी ये 0.6 हो गया। इसको अगर उल्टा कर देंगे तो ये ओएल दिखाएगा, क्योंकि इधर से ये रिवर्स बायस हो गया, तो इसी वजह से ये अभी उल्टा है तो ओएल दिखाएगा। इधर से लगाएंगे तो ये डबल दिखाएगा। ये चेक करने से आपको पता चल जाएगा मेन पावर सर्किट जो है वो सही है कि नहीं। उसके बाद जो गेट का जो है 6, 7 और 4, 5 का, इसको भी एक बार चेक कर लेना है। गेट का दोनों आपस में ओएल रहेगा IGBT का, देखिए दोनों का ओएल ही है। इसको घुमा के लगाएंगे अभी पॉजिटिव और नेगेटिव को,
ये फिर भी आपका ऑयल आएगा, कोई रेजिस्टेंस इसके अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए छः जो है ये किसी के साथ टच नहीं है, इसलिए छः और सात का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये पूरा ऑयल आएगा। इस तरह से चार ये पॉइंट है, चार नंबर और पांच है, ये दोनों का पूरा अलग आएगा। तो इस तरह से और भी चेक कर सकते हैं, छः में लगा के हम जो सभी पॉइंट में देख सकते हैं ये किसी में नहीं आना चाहिए, जैसे कि चार यहाँ पे है, चार भी किसी के साथ नहीं आना चाहिए। तो आपको एक लगा के दिखा देते हैं, ये चार में हम लगा रहे हैं तो ये किसी के साथ नहीं आ रहा है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको सबको पसंद आया और समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर सवाल है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका सवालों का जवाब जरूर देंगे।